Now, dear students, today we have to discuss the another topic of the lesson number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acid. Dear friends, already we discussed about the concept of tolerance test, failing test, Benedict test, Popoff rule, iodoform test, aldol and cross-aldol condensation and acidic strength of carboxylic acid in one particular video which is already with you. Now, today we have to discuss some more questions of this lesson number 12. So first of all, my dear friends, you have to take the printout of this PDF which is uploaded in our website. You have to visit our website. You have to go in standard 12 English medium. Lesson number 12, when you click, then you will get a certain options. Free PDF, ऐसा लिखा होगा, उसके अंदर से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो. Papers, ऐसा लिखा होगा, उसके अंदर से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो. Right friends, तो सबसे पहले ये डाउनलोड आप करेंगे और उसके अंदर जो रेड कलर से बॉर्डर मार्क किए हैं वो आंसर्स है. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे दोस्तों. द IUPAC नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है द IUPAC नेम ऑफ, ऐसा एक कंपाउंड दिया है CHO. व्हाट इज द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो दोस्तों ये 5 कार्बन वाला चेन है, साइक्लिक चेन है, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन और CHO को बोलेंगे कार्बनडिहाइड. तो इसका IUPAC नेम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बनडिहाइड. राइट, तो इसका आंसर आएगा सी. लेकिन बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे. पेंटेनाल, पेंटेन एल्डिहाइड, तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है आपका, वो पेंटेन एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो CH3CH2CH2CH2CHO, ये पेंटेन एल्डिहाइड. दूसरा पेंटेनल, तो ए और बी दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, बराबर. तीसरा जो है आपका, दिस इज योर सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन जो दिया है वो कौन है? हेक्सेनल. हेक्सेनल मतलब वी हैव टू टेक 6 कार्बन, तो CH3CH2CH2CHO. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 4 times CHO. इसका नाम क्या होगा दोस्तों? साइक्लोपेंटेन कार्बनडिहाइड. अगर इसकी जगह पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड. अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया होता CHO, इसका नाम हो जाता साइक्लोब्यूटेन कार्बनडिहाइड. अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया होता, इसका नाम हो जाता क्या? साइक्लोप्रोपेन कार्बनडिहाइड. दोस्तों साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 3 कार्बन का साइकिल चाहिए. ओके दोस्तों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, नंबर 2, द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पी विल बी RC डबल बॉन्ड OCl, ऊपर लिखा है H2, PD ऑब्लिक BASO4, ऐसा लिखा है. तो दोस्तों ये जो रिडक्शन का नाम है, उसका नाम है, याद रखने का, रोजनमुंड रिएक्शन. रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड रिडक्शन दोनों बोल सकते हैं. यहां से Cl एक H के साथ जाके करेगा -HCl और हाइड्रोजन यहां जॉइंट हो जाएगा. We can get RC double bond OH, मतलब मिलेगा aldehyde. अगर मैं यहाँ CH3C double bond OH लेता, sorry, CH3C double bond OCl, इसका नाम क्या होगा friends? Acetyl chloride. तो after the end of this Rosenmund reduction, I will get CH3C double bond OH, जिसका नाम होगा acetaldehyde. अगर मैं बेंजीन के ऊपर COCl लेता, C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम है दोस्तों बेंजोइल क्लोराइड. और ये बेंजोइल क्लोराइड का रोजनमुंड रिडक्शन होता तो आई विल गेट बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम होगा बेंजाल्डिहाइड. इधर कोई बेंजीन कार्बनडिहाइड भी उसको बोल सकता है. तो दोस्तों ये रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन का नाम रोजनमुंड रिएक्शन है और उसके उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा. और वो बनेगा किसमें से? तो एसिड क्लोराइड में से बन सकता है. R का मतलब हम यहाँ मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, इथाइल भी ले सकते हैं, इधर फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं.
ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट दो क्वेश्चन हुए हमारे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्माइल ग्रुप CHO इन द बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन रिंग के अंदर फॉर्माइल मतलब CHO ग्रुप दाखिल करने के लिए इसमें से कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन हमको दिया है उसको हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन ए, सपोज ये बेंजीन रिंग है, उसमें अगर मैं CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन करूंगा, वो रिएक्शन का नाम होगा गैटरमैन कॉच रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? गैटरमैन कॉच रिएक्शन। यहां से एक H चला जाएगा और यहां मुझको मिलेगा बेंजीन के ऊपर CHO प्लस HCl, इसका नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। आपको दूसरा जो रिएक्शन लिखा है, तो दूसरा रिएक्शन है RCN। R का मतलब यहां पे हम ऐसे बेंजीन ले सकते हैं, गलती से HCN हो गए, लेकिन दोस्तों होना चाहिए RCN। उसका रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के साथ HCl की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हो जाएगा आपका स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन में क्या मिलेगा दोस्तों? तो हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे बेंजीन के ऊपर, क्या CH डबल बॉन्ड NH HCl, बेंजीडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसका अगर आगे में H2O के साथ रिएक्शन करूंगा, तो ये NH2 हाइड्रोजन के साथ जाके माइनस करेगा NH3, ये HCl लिबरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। लेकिन ये साइनोबेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, इसको साइनोबेंजीन भी बोल सकते हैं, आइदर बेंजीन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आप चेक करो दोस्तों। तो लिखा है CrO2 Cl2 followed by hydrolysis। तो ये रिएक्शन करने के लिए दोस्तों मेरे को मिथाइल बेंजीन लेना पड़ेगा, जिसका दूसरा नाम है टोल्युइन। अगर मैं CrO2 Cl2 जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड और उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो आई विल डायरेक्टली गेट बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। और ऑप्शन डी मैंने लिखा है, ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों, इसमें से किसके अंदर बेंजीन में CHO आता है? तो ऑप्शन ए के अंदर बेंजीन में CHO आता है, बाकी सब में फंक्शनल ग्रुप चेंज होके CHO ग्रुप आता है, इसलिए आंसर आना चाहिए ए। बराबर, मैंने साथ में कौन से रिएक्शन को कौन से नाम से जाना जाता है वो भी बात की। जो पहला रिएक्शन है बेंजीन में से बेंजाल्डिहाइड, वो गैटरमैन रिएक्शन है। साइनोबेंजीन में से बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, वो स्टीफन रिडक्शन होगा। और टोल्युइन में से बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, वो रिएक्शन का नाम होगा इटार्ड रिएक्शन। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिखा है PHC CCH3, उसका रिएक्शन किया है किसके साथ? Hg+2 + H+, मतलब डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन बोला है। तो पहले दोस्तों H2O के दो पार्ट हो जाएंगे इसमें, H+ एंड OH-, वो ट्रिपल बॉन्ड के आगे पीछे जॉइंट हो जाएंगे। तो जहां फिनाइल ग्रुप है वहां पे OH जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। C के साथ एक हाइड्रोजन गया और इसका जब क्या होगा, 1-2 शिफ्टिंग होगा, इधर टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमर्स। तो यहां पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, वी कैन गेट PHC डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 और CH3। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए PH, फिर ऐसा करके लिखा है डबल बॉन्ड हो, फिर ऐसा है CH2 और फिर यहां लिखा है क्या, CH3। तो आपका आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? ए। बराबर, तो ये 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे अंदर पूछा है कि कीटोन्स कैसे बने जाते हैं। ओके दोस्तों, नाउ पांचवा क्वेश्चन जो है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स फॉर्म एसीटोन।
इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो दोस्तों उसको समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन। तो दोस्तों सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन जो है वो सी एच एसीटोन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन मतलब HCN के साथ रिएक्शन होगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे H प्लस एंड CN माइनस, ये CN माइनस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, या सबसे पहले हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, O के साथ, और O का कन्वर्जन कर देगा किसके अंदर, OH में, CN3 ऊपर गया और यहाँ आ गया CN, यहाँ हाइड्रोजन और CN दोनों ऐड हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि CN इज योर न्यूक्लियोफाइल, बराबर। इसका नाम क्या होगा, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, आपको आगे याद होगा दोस्तों, अगर इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ 2 मोल्स ऑफ H2O के अंदर मैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, यहां से ये N3H के साथ जाके करेगा माइनस NH3, दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां जॉइंट हो जाएगा, वी कैन गेट CH3CH3, यहां OH और यहां हो जाएगा COOH, जिसका IUPAC नाम क्या बनाएंगे दोस्तों, ये 1 2 और 3, इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, बराबर दोस्तों। यही रिएक्शन एसीटोन की जगह पे अगर एल्डिहाइड के साथ किया जाए तो एल्डिहाइड में हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे, तो यहाँ ऊपर CH3 की जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, H, ऐसे यहाँ ऊपर CH3 की जगह पे अगर H आ गया तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड, क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एसीटोन की जगह पे एल्डिहाइड पूछा होता तो भी आपका आंसर क्या होता, सेम, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो आपको पूछा है, The increasing order of the rate of HCN addition to compound A and C is, HCN को आपको ऐड करने का है, तो अभी दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट उसके साथ करता है जिसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों कम हो, जिसके अंदर क्या, स्टेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों क्या हो, कम। तो आपको जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कौन सा दोस्तों, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तीसरा ऑप्शन आपको जो दिया है PH का मतलब बेंजीन C डबल बॉन्ड OCH3, और लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो है PH मतलब बेंजीन फिर CO और फिर अगेन PH मतलब वापस बेंजीन। तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है, ये आपका एसीटोफिनोन है, ये आपका बेंजोफिनोन है, ये जो मिथाइल ग्रुप है उसका दोस्तों स्टेरिक हेंडर्स इफेक्ट होता है ज्यादा, मतलब उसकी वजह से क्लाउडिंग बढ़ता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन स्लो करता है, इसके अंदर ऐसे कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है। अब सी ऑप्शन के बारे में बात करो, इसमें मिथाइल ग्रुप है और बेंजीन भी है, मतलब एसीटोन की कंपैरिजन में इसमें स्टेरिक हेंडल ज्यादा होगा, रीजन फिनाइल ग्रुप है उसका रेजोनेंस भी यहां पार्टिसिपेंस करेगा, और यहां दो दो फिनाइल ग्रुप है मतलब इसके अंदर रेजोनेंट स्ट्रक्चर और बढ़ जाएंगे, इसलिए सबसे स्लो रिएक्शन कौन देगा, बेंजोफिनोन, और फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड, बराबर। इसलिए आपको पूछा है ऑर्डर, पूछा है तो ऑर्डर कौन सा आएगा, डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए, D less than C less than B less than A, बराबर। तो ये आपका smaller to bigger है, और smaller to bigger मतलब कौन सा order हुआ, it is your decreasing order, sorry increasing order, increasing order मतलब smaller to bigger,
अगर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ये आंसर आता है बराबर। तो दोस्तों क्वेश्चन बराबर समझ में आया, मैंने क्या बताया मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट होता है और फिनाइल ग्रुप का क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट होता है बराबर। इसके अंदर फिनाइल ग्रुप भी है और स्टेरिक इफेक्ट भी है, दोनों है, इसमें रेजोनेंस है बराबर। सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होता है, बेंजोफिनॉल में होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होता है। और जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें ऐसे कोई भी मिथाइल ग्रुप आइदर फिनाइल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट कम है, सो फॉर्मल्डिहाइड परफॉर्म फास्ट रिएक्शन। इज दैट क्लियर दोस्तों? यस। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन RCHO is reduced to RCH3. Question number 7, RCHO to RCH3. मतलब RC double bond OH मेरे पास है, उसमें आने का RCH2H, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्जन करने का पूछा है। Using amalgam of ZN and concentrated hydrochloric acid and warming the solution, the reaction is known as a. तो दोस्तों ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो आपको पता है दोस्तों, it is known as a Clemmensen reduction. कौन सा? Clemmensen. Okay. Clemmensen जैसा ही दूसरा एक और रिडक्शन है जिसका नाम है Wolff-Kissner reduction, लेकिन इसमें रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाती है। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन इंस्टेड ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी amalgam एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड we have to use hydrazine and KOH. Hydrazine का फॉर्मूला है दोस्तों क्या? NH2NH2 and KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं ये मिक्सर का रिएक्शन यूज करता I will get same product सेम मिलेगा लेकिन रिएक्शन हो जाएगा Wolff-Kissner reduction बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको जज करने का है। आठवां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ए मिक्सर ऑफ बेंजाल्डिहाइड, मेरे पास है बेंजाल्डिहाइड दोस्तों और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, उसका मैं रिएक्शन करता हूं एक्वायस NaOH के साथ। दोस्तों आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो बेंजाल्डिहाइड है इसमें कार्बोनिल कार्बन है AC डबल बॉन्ड OH और उसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है, और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है उसको मैं ऐसे लिखूंगा RC डबल बॉन्ड OH, उसमें भी कार्बोनिल कार्बन है लेकिन बाजू में अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये होगा आपका केनिजरो रिएक्शन। और केनिजरो रिएक्शन में आपको पता है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल में, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें से अपने को मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। तो आपका आंसर आएगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट बेंजाइल अल्कोहल का IUPAC में फिनाइल मिथेनॉल। तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन आएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। कभी-कभी दोस्तों गलती से लोग क्या करते हैं, इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे और इसका रिडक्शन करेंगे तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन भी लिखा है सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथेनॉल, ये ऑप्शन भी है आप देख सकते हो आइदर मिथाइल अल्कोहल, लेकिन आपका सही जवाब क्या होगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसका रिडक्शन होता है और जो छोटा है उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों आठवां क्वेश्चन हुआ, अब हम नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आंसर बोथ आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा? तो दोस्तों आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए और फेलिंग टेस्ट जो ऑप्शन दिए है उसके बारे में बात करते हैं। पहले लिखा है इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तीसरा ऑप्शन दिया है अपने को इथेनॉल CH3CH2OH, और लास्ट ऑप्शन दिया है मिथेनॉल CH3OH। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ओनली गिव्स फेलिंग टेस्ट, कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड? तो ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है मतलब ये फेलिंग टेस्ट देगा,
और जिसके अंदर ऐसा पार्ट होगा CH3CO वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, मतलब आपका ऑप्शन है फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। अब ऑप्शन बी जो है उसके अंदर CH3CO पार्ट है, मतलब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो कीटोन है, कीटोन फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करते नहीं है। ये आपके पास अल्कोहल है, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं H, तो CH3CHOH पार्ट आ गया, तो उसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अल्कोहल फेलिंग टेस्ट देता नहीं है, क्योंकि फेलिंग टेस्ट जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है, अल्कोहल के लिए वो एप्लीकेबल होता नहीं है। और ये जो मिथेनॉल है वो दोनों टेस्ट नहीं देता, फेलिंग टेस्ट एज वेल एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपका आंसर आएगा कौन सा, ए। अगर आपको एक क्वेश्चन में ऐसा चेंज करके बोलेंगे कि कौन दोनों टेस्ट नहीं देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, और बोलेंगे कि कौन इसमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, बी एंड सी बोथ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को दोस्तों जज करने का है, बराबर। नाउ द 10th वन, द केमिकल दैट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन द सेम रिएक्शन इज, तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन जैसा ही, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होगा और सेल्फ रिडक्शन होगा, वो केनिसारो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और केनिसारो रिएक्शन परफॉर्म करता है कौन, तो फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ये दोनों ही करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है बेंजाइल अल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, तो आपका आंसर आएगा क्या दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन आल्डोल कंडेंसेशन इज, मतलब आल्डोल कंडेंसेशन जो सेल्फ आल्डोल कंडेंसेशन है उससे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये 11 नंबर के एमसीक्यू के अंदर आल्डोल कंडेंसेशन का जो कंडीशन जो हम ऑलरेडी आगे के वीडियो में सीख चुके हैं, वी हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड्स इन व्हिच both contain carbonyl group, both have a alpha carbon and both have a same number of alpha hydrogen, in such condition aldol condensation is take place. Now this one is take place in the presence of dilute anion, right? Now the second molecule is alpha carbon, have a, these three hydrogen, this is called acidic hydrogen. Now this hydrogen is substituted and move towards to this oxygen. यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो CH3, ये कार्बन के साथ वापस चला गया CH, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, हो जाएगा OH में कन्वर्जन, और ये जो CH2 बाकी रहा वो यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा CH2CH, बराबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर कर दो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 3-hydroxy-butanol, 3-hydroxy-butanol। इसका यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो कॉमन नॉमेनक्लेचर के ऊपर से दिया है, पहला ऑप्शन है N अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स, ए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो दोस्तों हमको पता है कार्बोनिल कार्बन के बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, तो यहाँ पे OH ग्रुप कौन से नंबर के ऊपर है, बीटा के ऊपर है, तो इसको हम बोल सकेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दोस्तों यही सेम रिएक्शन कीटोन भी परफॉर्म करता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCH3, सेम रिएक्शन इज टेक प्लेस डाइल्यूट NaOH के साथ, दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ चाहिए, दोनों के पास अल्फा कार्बन है और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कंडीशन के अंदर वापस सेल्फ आल्डोल कंडेंसेशन होगा, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, H को मूव करेगा, तो यहां हो जाएगा CH3C ऊपर, ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये O के साथ जॉइंट हो जाएगा, यहाँ का एक H
और बाकी यहां से जो हाइड्रोजन गया तो बाकी रहा CH2, ये CH2 ज्वाइंट होगा तो CH2CO CH3, वापिस कार्बोनिल कार्बन के बाद बोला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कौन सा? सी ऑप्शन होगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसका आगे हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन। तो OH और H जाए तो और ये दोनों के बीच में क्या इंट्रोड्यूस होगा? डबल बॉन्ड। तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। और यहाँ पे भी क्या होगा? OH और H चला गया, माइनस हो जाएगा H2O, वी कैन गेट CH3CCH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3, बराबर। तो इस तरह से ये हुआ कौन सा क्वेश्चन? 11 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद, द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन, मतलब होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2nO2, तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर दोस्तों ये दोनों है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप n = 3 ले लो तो यहां फार्मूला हो जाएगा C3H6O2, बराबर। तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड तीन कार्बन वाला कौन सा बनेगा? CH3CH2COOH। आप गिन सकते हो, ये तीन कार्बन हो गए हाइड्रोजन 3+2+5+1+6 और ये दो ऑक्सीजन। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों? प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरा होगा एस्टर, अगर बनाए तो CH3COCH3, इसका नाम होगा मिथाइल एसिटेट। यहाँ पे भी तीन कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, इसको आप बोलेंगे मिथाइल एसिटेट। तो दोस्तों CnH2nO2 फॉर्मूला है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब आपका आंसर आएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एस्टर होता तो वो भी होता। ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्स है दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, अब 13 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। द IUPAC नेम, IUPAC नेम, यहाँ डबल बॉन्ड है फिर ऐसा डबल बॉन्ड हो OH, बराबर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो दोस्तों ये आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके ऊपर से IUPAC नेम बनाने का है। तो इसको हम पहले ऐसे लिख देंगे, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, फिर ये CH2 और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड हो OH। C डबल बॉन्ड OH आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग है डबल बॉन्ड की कंपेरिजन में। तो नोमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से नंबर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप की ओर से दिया जाता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। यहाँ पे देखें तो ये 1, 2, 3, बराबर डबल बॉन्ड होते तो बॉन्ड को भी नंबर देना पड़ता है। तो अब आ गया 4 कार्बन, मतलब हो जाएगा ब्यूट 3 in 1 oic acid, ब्यूट 3 in 1 oic acid, बराबर। दोस्तों अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूट 3 in 1 oic acid होता, बराबर। लेकिन तो यहाँ पे नाम कौन सा होगा? तो ब्यूट 3 in oic acid, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट फ्रेंड्स। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पे क्या लिखा है? बेंजीन के ऊपर MgBr जिसको बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर। और उसका रिएक्शन किया CO2 के साथ और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा बोला है, बराबर। क्वेश्चन जो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्वेश्चन नंबर 14, बेंजीन के ऊपर MgBr, उसका रिएक्शन मैं करूंगा CO2 के साथ, तो ये CO2 पूरा अंदर ऐड हो जाएगा, या मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO MgBr, और उसका आगे
एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ये जो पूरा Mg है, H2O के दो पार्ट पड़ेंगे दोस्तों, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ हो जाएगा MgOHBr। ये MgBr निकल गया OH के साथ, और हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, we can get benzene के ऊपर COOH, जिसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अगर दोस्तों ये मैंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, उसकी जगह पे मैं अगर ऐसा लेता CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ MgBr निकल जाता है, यहाँ ये दोनों के बीच में COO आ जाता और फिर एक H मिल जाता, तो मुझको मिलता क्या? इथेनोइक एसिड। अगर मेरे पास ऐसा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसका अगर मैं सेम रिएक्शन करूंगा तो मुझको प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, बराबर। तो दोस्तों जो आपको रिएजेंट दिया है उसके ऊपर से आपको जजमेंट लेके आगे बढ़ने का है, बराबर। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीटेड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस एनएओएच गिव्स। तो क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन, दोस्तों टोल्यूइन का क्लोरीनेशन जो करने का कंडीशन बोला है वो आपको ये कंडीशन बोला है, Cl in the presence of light। दोस्तों जब ये कंडीशन में रिएक्शन होता है, मतलब क्या होगा कि भाई इट इज योर साइड चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? साइड चेन रिएक्शन, मतलब कि टोल्यूइन के अंदर से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो पहले हो जाएगा माइनस HCl, वी कैन गेट बेंजीन के ऊपर CH2Cl, एक हाइड्रोजन गया एक Cl आया, वापिस सेम रिएक्शन होगा Cl टू सनलाइट की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl आएगा, मतलब एक H कम करो एक Cl बढ़ाओ, वापिस एक Cl2 के साथ रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां मिल जाएगा क्या CCl3 और क्या माइनस हो जाएगा HCl, बराबर। इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। और उसका रिएक्शन करना पड़ेगा 3NaOH के साथ, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है फॉलोड बाय एक्वस NaOH, तो ये 3Na 3Cl के साथ जाके माइनस कर देंगे 3NaCl, बाकी रहे 3O, बराबर। 3O में से क्या होगा दोस्तों? एक H2O चला जाएगा, मतलब 3O का मतलब 3O एंड 3H, उसमें से चला गया H2O, मतलब बाकी रहा एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बाकी रहे, ये कार्बन के साथ जॉइंट हो जाएंगे, वी कैन गेट बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। ओके दोस्तों, तो ये है आपका साइड चेन रिएक्शन का एग्जांपल। ये टॉपिक 11 के अंदर हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, उसके अंदर भी मेंशन किया गया है, बराबर। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा अपने को? बेंजोइक एसिड, मतलब 15 का आंसर आएगा कौन सा? बेंजोइक एसिड, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ओके, यहां एक और रिएक्शन समझते हैं। अगर मैं यहां Cl2FeCl3 कैटालिस्ट कर देता, Cl2 / कौन सा कैटालिस्ट? FeCl3, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे मुझको दो प्रोडक्ट मिलेंगे मिक्सर में, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन एंड पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ओसीडी एंड पीसीडी। तो सनलाइट की प्रेजेंस में साइड चेन रिएक्शन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एफिशियल कैटालिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों की प्रेजेंस में ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और फिर वो बाकी ये हाइड्रोजन बाकी रहे बेंजीन के अंदर, उसमें से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से वो ज्यादा प्रोडक्ट देता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके दोस्तों, तो याद रखने का Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट साइड बाय चेन रिएक्शन। अगर मैं यहां FeCl3 कर देता तो वो जाता कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, अब आएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? Which of the following does not give benzoic acid on hydrolysis? तो दोस्तों वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन जो दिया है आपको फिनाइल साइनाइड हाइड्रोलिसिस होगा 2H2O के साथ,
ये N यहाँ से 3H लेके माइनस कर देगा NH3, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ जॉइंट हो जाएंगे, वी कैन गेट बेंजोइक एसिड, मतलब पहले में आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। अब हम बी ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, ऑप्शन बी क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl, उसका मैं रिएक्शन करूंगा H2O के साथ, तो यहां से एक H और Cl चला जाएगा, HCl, OH बाकी रहा, यहां जॉइंट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CO बाकी रहा पर OH आ गया, इसमें भी क्या मिला अपने को दोस्तों, बेंजोइक एसिड। अब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बेंजाइल क्लोराइड, ये है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी ये, इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड का NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो यहां से Na और Cl चला जाएगा, माइनस हो जाएगा NaCl, ये O यहां जॉइंट हो जाएगा, आई विल गेट बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसका नाम है दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल। और लास्ट ऑप्शन जो है वो मिथाइल बेंजोएट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, मिथाइल बेंजोएट का मतलब बेंजीन के ऊपर COOCH3, उसका H2O के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा दोस्तों बेंजोइक एसिड प्लस मिथेनॉल। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेफरेंस में आंसर क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ए ऑप्शन ने दिया, बी ऑप्शन ने दिया, डी ऑप्शन ने दिया, लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है वो आपको देता है बेंजाइल अल्कोहल। तो दोस्तों रिएक्शन आपको क्लियर पता होने चाहिए, बराबर, तो ये 16 क्वेश्चन है, बराबर, अब हम आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 17 एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको जो कंपाउंड दिया है 17 नंबर के एमसीक्यू के अंदर, वो पहला कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2OH, इसको नंबर वन दिया है। नंबर टू जो है वो है आपके पास CH3CH2CH2CHO, ये नंबर टू है, और तीसरा कंपाउंड है आपके पास CH3CH2CH2COOH, दिस इज योर थर्ड कंपाउंड, राइट। अब दोस्तों आपको बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या अल्कोहल है और या एल्डिहाइड है। Now friends, carboxylic acid is always act as a biomolecules and it also have a tendency to form hydrogen bond with water molecules. So carboxylic acid जो है उसका boiling point सबसे ज्यादा होगा। Same as alcohol, alcohol have a higher intermolecular attraction force, बराबर, than aldehyde but less than carboxylic acid. तो दूसरे number पे आएगा कौन आपका alcohol और last number के ऊपर कौन होएगा aldehyde के अंदर इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, तो आपका करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, 3 > 1 > 2, राइट, तो मतलब आपका आंसर होगा बी, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर का क्वेश्चन है 18 नंबर का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड दिया है CH3COOH, ये आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है CH3O CH2COOH, आपका सी ऑप्शन है CH3COOH एंड डी ऑप्शन है CH3COOH, ये डबल ओ को O2 कर दिया है लेकिन हम डबल OH करके लिखेंगे, बराबर, O2 का मतलब दो बार ऑक्सीजन लिखने का। अब दोस्तों यहां चेक करो, ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन के ऊपर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, बराबर। फिर आपको चेक करने का ए और बी के अंदर, तो ये आपका एसिटिक एसिड है और ये अल्फा मिथॉक्सी एसिटिक एसिड है, तो ये दोनों में ज्यादा किसका होगा दोस्तों, तो ये दोनों में ज्यादा होगा किसका, इसका मिथॉक्सी एसिटिक एसिड का, रीजन क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप आल्सो हैव अ माइनस आई इफेक्ट। फिर आएगा कौन, ए, और सबसे लास्ट में होगा कौन,
डी डी के अंदर क्या है, तो दोस्तों ये दो CH3 ग्रुप हैव अ पॉजिटिव आई इफेक्ट, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो आपका ऑर्डर कौन सा बैठेगा, सबसे आपको कौन सा स्ट्रेंथ पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो डी, फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा कौन सा सी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, अल्फा 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 ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, फिर आएगा अल्फा मिथॉक्सी एसिडिक एसिड क्योंकि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसका भी माइनस आई इफेक्ट है, फिर आएगा एसिडिक एसिड और फिर इसके अंदर आएगा 2-methyl propanoic एसिड क्योंकि अल्फा पोजीशन के ऊपर दो दो मिथाइल ग्रुप है जिसका पॉजिटिव आई इफेक्ट है, इसकी वजह से सबसे वीक एसिड होगा। आंसर होगा डी लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखने का है। और हमने दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ का एक अलग वीडियो बनाया है, उसके अंदर हमने शुरुआत किया था टॉलेंस टेस्ट से, फिर हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्सप्लेन किया है, देन आफ्टर एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन किया है और उसके बाद अल्कोहल कंडेंसेशन के बारे में भी कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, अब 19th नंबर का एमसीक्यू है, बोला है बेंजोइक एसिड मे बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड उसमें से बनाने का बोला इथाइल बेंजोएट, मतलब बेंजीन के ऊपर C2H5 ये होगा इथाइल बेंजोएट, तो रिएक्शन होगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में C2H5OH के साथ, बराबर। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा दोस्तों, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल आइदर ऑब्लिक ड्राई HCl आइदर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको क्या मिलेगा रिस्पेक्टिव एस्टर। अब दोस्तों एस्टरिफिकेशन की बात निकली है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा है वो भी समझ लेते हैं। एस्टरिफिकेशन के लिए दो कंपाउंड चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और दूसरा अल्कोहल चाहिए। तो दोस्तों अल्कोहल जो है, विच अल्कोहल गिव फास्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो मिथेनॉल ग्रेटर देन इथेनॉल ग्रेटर देन CH3 ट्वाइस CHOH ग्रेटर देन CH3 थ्राइस COH, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा मिथेनॉल। और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जिसमें फॉर्मिक एसिड है वो फास्ट रिएक्शन देगा, और एज द मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टू द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन गोइंग टू बी डिक्रीजेस। तो सबसे फास्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन देगा, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड, बराबर। और जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे ऐसे उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये भी एमसीक्यू के बतौर अलग पूछ सकते हैं, तो एस्टरिफिकेशन का एडिशनल कॉन्सेप्ट, राइट दोस्तों। अब आपको 20 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइल्स अकर्स इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयंस एज अ कैटालिस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी on addition of water to but 1 ion under this condition, मतलब but 1 ion का मतलब क्या होगा, but मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, right, 1 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे हाइड्रोजन एडजस्ट करो दोस्तों, तो ये हो गया आपका but 1 ion, बराबर। उसके साथ सबसे पहले हम H2O को ऐड करेंगे, तो H2O का दोस्तों दो पार्ट पड़ जाएंगे, H+ और OH-, यहाँ H plus यहाँ जाएगा तो we can get CH2 double bond C, यहाँ हो जाएगा OH CH2 CH3, बराबर। और जब उसका Hg+2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में माइग्रेट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट होके आ जाएगा, मतलब CH2 की जगह पे हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा क्या, ब्यूटेन 2-1, नाम क्या होगा दोस्तों, ब्यूटेन 2-1, बराबर। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोडक्ट ये जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, बराबर।
तो इस तरह से आपका आंसर आएगा कौन सा, ब्यूटेन 2-1 बराबर। और 21 नंबर का जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 21 पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको जो ऑप्शन दिया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहला ऑप्शन है CH3CHO, दूसरा ऑप्शन है आपके पास CH3COCl3, आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया क्या, बेंजीन के ऊपर CHO, और डी ऑप्शन जो है वो है बेंजीन के ऊपर COCl3। तो दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमको दो चीज फोकस करने की है, एक स्टेरिक हेंडर्स इफेक्ट और दूसरा जो है रेजोनेंस ऑफ एरोमेटिक साइकिल। दोस्तों यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, इसके अंदर दो CH3 ग्रुप है, इसमें ये एरोमेटिक साइकिल है, इसमें एरोमेटिक साइकिल विद CH3 ग्रुप है। तो जो कंपाउंड में एरोमेटिक साइकिल्स ज्यादा होते हैं और अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होता है, और जिसमें कम होते हैं उसके अंदर सबसे फास्ट होता है। तो इसमें एक CH3 ग्रुप है, इसमें दो CH3 ग्रुप है, तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट ये जो प्रोपेन है, प्रोपेनॉन है, उसकी कंपैरिजन में कम होगा, मतलब आपका जो एसिटाल्डिहाइड है वो फास्ट रिएक्शन देगा इसकी कंपैरिजन में, एसीटोन की कंपैरिजन में। एसीटोन बेंजाल्डिहाइड की कंपैरिजन में फास्ट रिएक्शन देगा क्योंकि बेंजीन के तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें बेंजीन अवेलेबल है और CH3 ग्रुप है, मतलब एसिटोफिनोन जो है लास्ट ऑप्शन वो सबसे स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। आपको पूछा है कौन सा मोर रिएक्टिव, मतलब कौन होगा, CH3CHO, और लेस रिएक्टिव पूछा होता तो आपका होता एसिटोफिनोन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो 21 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss MCQ number 22 and the question is the correct order of increasing acidic strength is, question number 22, correct order of increasing acidic strength is, आपको जो option दिए है उसको अगर structure draw करें तो दोस्तों phenol पूछा है, सबसे पहले phenol दिया है, दूसरे option में दिया है ethanol, फिर दिया है क्लोरोएसिटिक एसिड, ये हो गया आपका क्लोरोएसिटिक एसिड, और लास्ट में दिया है एसिटिक एसिड बराबर। हम पहले ये जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उसके अंदर ही बात करेंगे। तो दोस्तों ये अल्कोहल है, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ होता नहीं है, सबसे वीक एसिड होता है अल्कोहल बराबर, जिसका पीएच वाटर जितना होता है बराबर, इसलिए सब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ मतलब सबसे छोटा होगा कौन आपका, इथेनॉल। अब ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दूसरे नंबर पे आएगा फिनॉल। अब दोस्तों ये अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, ये आपका EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल है, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों में सबसे वीक कौन होगा आपका, एसिटिक एसिड, और फिर आएगा कौन आपका, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब योर आंसर इज 10 सी आंसर होगा, सबसे वीक इथेनॉल, फिर फिनॉल, फिर एसिटिक एसिड और फिर अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके दोस्तों, नाउ 23 नंबर का जो एमसीक्यू है उसके बारे में बात करेंगे। कंपाउंड पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ पीएच, मतलब फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ फिनाइल, मतलब बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन बराबर, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो फिनॉल का रिएक्शन होगा, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, उसका रिएक्शन होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन कैटालिस्ट, बेसिक कैटालिस्ट चाहिए, तो यहां से H और Cl निकल जाएगा, हो जाएगा HCl,
और यहां आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर आएगा बेंजीन, जिसको हम अदर वर्ड में ऐसे लिखेंगे पीएच ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, पीएच ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 24 नंबर का एमसीक्यू जो है उसके बारे में बात करेंगे। द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल रिएक्ट। एसीटोन का मतलब CH3COCH3 और बेंजल रिएक्ट का मतलब होगा बेंजीन के ऊपर CHO। दोस्तों ये कीटोन है, कीटोन कभी भी फेलिंग टेस्ट देता नहीं है, और बेंजालिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी फेलिंग टेस्ट देता नहीं है, मतलब आपका आंसर आएगा सी फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। बाकी के सभी टेस्ट जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये सब रिएजेंट करेंगे रिएक्शन, लेकिन फेलिंग टेस्ट के साथ वो रिएक्शन करते नहीं है। तो ये 24 नंबर का एमसीक्यू हुआ दोस्तों। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 25। कैनी सर रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऐसा लिखा है, साइक्लोहेक्सेन की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर CH3CHO, फिर ऑप्शन बी लिखा गया क्या, बेंजल है बेंजीन के ऊपर CHO, फिर लिखा गया क्या फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और डी ऑप्शन लिखा गया CH3C डबल बॉन्ड OH। दोस्तों केनिसरो रिएक्शन की कंडीशन कौन सा है, तो हमको पता है कि कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा सेम बेंजालिहाइड की ये पोजीशन के ऊपर अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये भी केनिसरो रिएक्शन देगा। फॉर्मल्डिहाइड में आप देख सकते हो ये जो है इसको हम लिखेंगे ऐसे सी डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल कार्बन है लेकिन इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये भी आपको केनिसरो कंडेंसेशन देगा, लेकिन ये जो है सी डबल बॉन्ड हो बाजू के कार्बन में CH3, तो ये केनिसरो कंडेंसेशन दे सकता नहीं है क्योंकि उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और जो मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो दो तरीके के रिएक्शन दे सकता है, वन सेल्फ हैलोजन कंडेंसेशन, आइदर केनिसरो रिएक्शन, सेल्फ हैलोजन आइदर क्रॉस हैलोजन, सॉरी बराबर, और ये तीनों जो है वो कौन सा रिएक्शन देगा दोस्तों, केनिसरो रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो ये 22 23 24 और 25 नंबर के क्वेश्चंस हुए फ्रेंड्स। Now students, we have to discuss MCQ number 26. और 26 नंबर का जो MCQ है आपके सामने दोस्तों, वो है CH3C triple bond CH। लिखा है 40% of H2SO4, 1% of HgSO4। लिखा है A। और ये जो है उसका क्या है दोस्तों? आइसोमेरिज्म से मिलता है आपको ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो बोला गया ए ऑप्शन के लिए कौन से करेक्ट आंसर है, तो सबसे पहले दोस्तों समझना पड़ेगा ये रिएक्शन होगा H2O के साथ, H2O के दो पार्ट पड़ जाएंगे H प्लस और OH माइनस, OH माइनस सेक्सेप रूल के हिसाब से जहां कम हाइड्रोजन होंगे वहां जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा CH3, यहाँ हो गया OH, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये CH के साथ H जाएगा, वी कैन गेट CH2। इसका अगर हम नाम बनाए तो 1 2 3 नाम होगा क्या, प्रॉप वन इन टू ऑल, प्रॉप वन इन टू ऑल, ये उसका नाम होगा। अब आइसोमेरिज्म जो है इसको टोटोमर्स बोलेंगे, टोटोमर्स में क्या होगा ये हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे 1 3 माइग्रेशन, ये हाइड्रोजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ से 1 2 और 3 नंबर के एटम पे जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन गेट एसीटोन। क्या मिलेगा अपने को? एसीटोन।
तो ये जो प्रोडक्ट मिला ए उसका नाम होगा प्रॉप वन इन टू ऑल, और आइसोमेरिज्म का नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या नाम है दोस्तों? टॉटोमेरिज्म। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉप वन इन टू ऑल, राइट। और आइसोमेरिज्म का नाम कौन सा होगा? टॉटोमेरिज्म। ओके दोस्तों, नाउ 27 नंबर का एमसीक्यू जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बोला गया CH3CHO, उसका रिएक्शन किया CH3MgBr के साथ, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया, बोला प्रोडक्ट ए मिलता है। फिर उसका H2SO4 की प्रेजेंस में उसको हीट किया तो मिलता है प्रोडक्ट बी, और उसका बोला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो मिलता है सी। और क्वेश्चन पूछे ए और सी क्या है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा यहां कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसका रिएक्शन जब मैं CH3 MgBr के साथ करूंगा तो MgBr यहां ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH O MgBr, और यहां आ जाएगा CH3। ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, उसका जब मैं H2O के साथ रिएक्शन करूंगा, इसके दो पार्ट होंगे H+ एंड OH-, ये H+ के साथ जाएगा तो हो जाएगा -MgOHBr, और यहाँ OH आ जाएगा, यू कैन गेट CH3CHOHCH3, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। अब इसका आगे H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो यहां से OH और H चला जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O, वी कैन गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा प्रॉप वन इन, और उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब H2O के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो आपको पता है दोस्तों एंटी मार्कोनी कॉफ लॉ के हिसाब से यहाँ क्या मिलेगा आपको, CH3CH2CH2OH, इसका नाम होगा प्रोपेन वन ऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन वन ऑल। तो आपको पूछा है ए और सी, ए आपका प्रोपेन टू ऑल है और बी जो सी है वो आपका प्रोपेन वन ऑल है, तो यहाँ सिर्फ OH का पोजीशन अलग अलग है, तो आपको बोला जाएगा ये क्या होंगे, दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्स है दोस्तों? पोजिशनल आइसोमर्स। इज दैट क्लियर? पोजिशनल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार्बन। इसके अंदर कार्बन गिने तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 8, ऑक्सीजन 1, इसमें भी सेम C3H8O होगा इसका फार्मूला, लेकिन इसमें OH सेकंड कार्बन के ऊपर है, इसमें OH फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल, इसका होगा प्रोपेन वन ऑल, सो दे आर नोन एज देयर पोजिशनल आइसोमर्स। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। तो 28 क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया है कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज Which of the following reagent is most suitable for the conversion? कौन सा conversion दिया? तो ये conversion जो आपको दिया गया है उसके बारे में 28 नंबर CH3 CH double bond CH CH2 C double bond O CH3, उसका कन्वर्जन करने का बोला CH3 CH double bond CH CH2 C double bond O OH, मतलब मिथाइल ग्रुप का कन्वर्जन OH में करने का और आगे का पार्ट सेम रखने का। अगर आगे का पार्ट सेम रखने का है दोस्तों तो यहाँ अपने को जाना पड़ेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा आयोडीन ऑब्लिक किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये जो मिथाइल कीटोन पार्ट है उसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म ऑक्सीडेशन। इधर मिथाइल कीटोन का क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
तो यहाँ आंसर होगा कौन सा, I2 एंड NaOH सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन है वो 29 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डबल बॉन्डो और CH3। अगर दोस्तों मैं ऐसा कर देता ट्रिपल बॉन्ड तो डायरेक्ट हम बोल देते कि भाई कौन सा एसिटोफिनॉल, लेकिन यहाँ ये ऐसा है दो डबल बॉन्ड है तो कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है कि आपका पहला कार्बन होगा, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ बेंजीन का एक कार्बन भी फर्स्ट होगा, फिर यहाँ से नंबर 2, 3, 4, 5, 6 छह कार्बन का चेन, बॉन्ड को नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर। दोस्तों ये जो बॉन्ड कौन कौन से नंबर के ऊपर है, सेकंड एंड फोर्थ के ऊपर है और फर्स्ट नंबर के ऊपर साइक्लोहेक्सेन है, दो बार डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सा ऐसा वर्ड आएगा, इसका नाम होगा 1-cyclohexa। फिर क्या आएगा 2-4, फिर आएगा डाइनाइल, फिर आएगा क्या एक और दो कार्बन, मतलब क्या इथेनॉन। इतने पार्ट को मैं बोलूंगा इथेनॉन और ये जो आगे का पार्ट है इट स्टैंड फॉर दिस बराबर। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1-cyclohexa-2,4-dienyl-ethanol। इज दैट क्लियर दोस्तों? यस। अब आएगा आपका 30 नंबर का एमसीक्यू, क्या है, 1 mole ऑफ सिमेट्रिक एल्कीन और ओजोनोलिसिस गिव्स 2 moles ऑफ एल्डिहाइड हैविंग ए मॉलिक्यूलर मास 44, देन एल्कीन इज, देखो पहले तो सिमेट्रिक एल्कीन ऐसा पूछा है, तो दोस्तों सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन सेम होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक एल्कीन। एक सिमेट्रिक एल्कीन ये है, आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें अगर देखा जाए तो ब्यूट टू इन ऐसा बोला है, तो ये हो गया आपका ब्यूट टू इन बराबर। और दूसरा एक सिमेट्रिक एक एल्कीन ऐसा दिया है ब्यूट वन इन, ये आपका सिमेट्रिक एल्कीन, ये आपका एसिमेट्रिक एल्कीन, मतलब ये आप ले सकते नहीं हो क्योंकि आपको ऑर्डर में सिमेट्रिक एल्कीन बोला है। दूसरा दिया है इथीन, इथीन का मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप ये लेके जा सकते हो क्योंकि एसिमेट्रिक एल्कीन है। और दूसरा दिया है, तीसरा दिया है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी आप ले सकते नहीं हो। अब हम इसका मैं ओजोनोलिसिस दोस्तों समझाता हूं बराबर। ओजोनोलिसिस होगा किसके साथ, ओजोन के साथ, ध्यान से समझने का, ये ओजोन किस तरह से इसके अंदर ऐड होगा, तो ये CH3 इसी के साथ H बराबर, पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां जॉइंट होगा ओजोन, ऑक्सीजन 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 इस तरह से, और फिर वापिस ये कार्बन उसके साथ ये हाइड्रोजन और ये CH3 बराबर, CH3CH, ये CH3CH, ये CH3CH और बीच में आ गया ओजोन। और उसका अगर मैं ZnO+H2O के साथ रिएक्शन करूंगा बराबर, तो ये पार्ट जो है और ये पार्ट निकल जाएगा, तो CH3CHO प्लस CH3CHO, 2 moles मुझको मिल जाएंगे CH3CHO का बराबर। और ये जो ऑक्सीजन बाकी रहा हो H2O के साथ जाके बनाएगा H2O2, क्या बनाएगा H2O2 बराबर। अब आपको जो प्रोडक्ट मिला उसका मॉलिक्यूलर मास गिनो, तो यहाँ 2 carbon है 12 × 2 ये हो जाएगा 24, हाइड्रोजन है 4 तो क्या होगा 1 × 4 तो ये हो गया 4 और ऑक्सीजन आपका 1 है तो क्या करेंगे 16 × 1 16, इस सबका एडिशन करो तो एडिशन करेंगे तो 44 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये भी बोला गया है कि जो प्रोडक्ट मिलता है उसका 44 ग्राम्स पर मोल मॉलिक्यूलर मास है, तो रिएक्शन किसका होगा दोस्तों, ब्यूट टू इन का होगा।
इसका होगा ड्यू टू इनकम, इसे क्लियर। अब दोस्तों मैं ये बाकी की सभी प्रोडक्ट के लिए आपको एनालिसिस यहाँ समझाता हूँ, इसके अंदर थोड़ा चेंज करके समझ लो कि अब मेरे पास ऐसा है ब्यूट वन इन। सोच लो क्या है ब्यूट वन इन, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्या आपका दोस्तों सी एच टू, और ये हो जाएगा ऐसा, इसको बोलेंगे हम ब्यूट वन इन। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, और यहाँ हो जाएगा आपका ये एच सी एच ओ। तो जब इसका आगे रिएक्शन होगा, तो अगर मेरे पास ब्यूट वन इन होगा तो मुझको दो प्रोडक्ट मिलेगी सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ, प्रोपेनल प्लस फॉर्मलिहाइड, ये प्रोडक्ट मिलेगी। अगर मेरे पास इथिन होता, इथिन का मतलब क्या, ये तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो यहाँ मैं क्या करूंगा दोनों जगह पे एच सी एच एच सी एच ओ। तो जब आगे रिएक्शन होगा तो यहाँ मुझको दो मोल्स किसके मिलेंगे, फॉर्मालिहाइड की, एच सी एच ओ एच सी एच ओ, दो मोल्स किसके मिल जाएंगे फॉर्मालिहाइड के। कब, जब इथिन होगा, क्या होगा इथिन, और फॉर्मालिहाइड का मॉलिक्यूलर मास कितना, तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन के 2, इस सबका एडिशन करो तो 30 आंसर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 44 की जगह पर अगर मैं 30 कर दूं तो आंसर आपका हो जाएगा बी इथिन, बराबर। और अगर इसका रिएक्शन प्रोपीन के साथ किया जाए, किसके साथ, प्रोपीन, तो यहां मिलेगा आपको CH3COH, तो एक मोल आपको मिलेगा CH3CHO और दूसरा मिलेगा HCHO, बराबर। तो सिमेट्रिक वर्ड यूज किया है और आपको 44 मास पूछा है, इसलिए आपका आंसर आएगा कौन सा, ड्यू टू इन। दोस्तों ये सभी ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन है दोस्तों, ओजोनोलिसिस, इज दैट क्लियर। तो हमारे 30 तक क्वेश्चन हुए, अब हम 31 के ऊपर जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 31, ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूस एसीटोन एंड प्रोपियोनाल्डिहाइड इन इक्विमोलर मिक्सचर, आइडेंटिफाइड ए फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो दोस्तों अभी जो 30 क्वेश्चन में हमने बात किया था उसके जैसा ही हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले वन बाय वन हम सभी कंपाउंड देखे हैं, उसका ओजोनोलिसिस रिएक्शन करते हैं। सपोज जो पहला वन लिखा है, फर्स्ट वन इज पेंट 1, 2, 3, 4, 5, पेंट वन इन टू मिथाइल, मतलब 1, 2, यहां पे CH3 ऐसा है। इसका अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन करेंगे दोस्तों, तो ओजोन डबल बॉन्ड जो होता है उसके आगे पीछे ऐड होता है, तो यहां क्या होगा CH3CH2, यहां पे भी CH2 होगा, यहां पे हो जाएगा CH3, यहां ओजोन ऐड हो गया, ये फॉर्मेट में आपका ओजोन गया, ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, और उसका आगे ZnH2O के साथ रिएक्शन होगा, तो ये पार्ट ब्रेक होगा, ये पार्ट ब्रेक होगा, ऑक्सीजन H2O के साथ जगह बनाएगा -H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये ब्रेक होगा, और आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा ऐसा CH3CH2CH2COCH3+HCHO, ये मिक्सर मिलेगा अगर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा तो, बराबर। ऑप्शन बी जो है वो लिखा है पेंट वन इन, तो मैं इसमें ही करेक्शन करता हूं, पेंट वन इन होगा ये, तो यहां CH3 की जगह पे आ जाएगा H, तो यहां हो जाएगा H, तो ये हो जाएगा CHO, तो ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा तो मुझको मिलेगा ब्यूटेनल प्लस फॉर्मलिहाइड। ऑप्शन सी पेंट टू इन, यहां पे इसके साथ इसको यहां शिफ्ट कर दो ऐसा, इसको बोलेंगे हम पेंट टू इन, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट था वो इस तरह से मिलेगा, ओजोन यहां पे जाएगा CH3, यहां जाएगा H, अब ये ब्रेकआउट होगा आपका,
तो यहां मिलेगा आपको सी ऑप्शन में जाएंगे तो CH3CH2CHO CH3CH2CHO प्लस CH3CHO और लास्ट ऑप्शन है आपका डी, उसमें लिखा है क्या 2 मिथाइल पेंट टूइन, मतलब यहां पे H CH3 ये होगा आपका 2 मिथाइल पेंट टूइन, तो यहां पे H की जगह पे कौन होगा दोस्तों CH3, तो यहां मिलेगा आपको प्रोपेनालिडाइड और यहां मिलेगा आपको CH3COCH3। आपको ऑप्शन क्या पूछा है दोस्तों इक्विमोलर ऑफ एसीटोन एंड प्रोपेनालिडाइड, तो ये है आपका एसीटोन ये आपका प्रोपेनालिडाइड, तो आंसर कौन सा आएगा डी ऑप्शन 2 मिथाइल 2 पेंट इन राइट। तो आपको जो हिसाब से क्वेश्चन पूछा है वो हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा ओके। तो मैंने चारों ऑप्शन के लिए आपको समझाया कि किस तरह से ओजोनोलिसिस रिएक्शन आगे होता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 32, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मलडिहाइड एंड 1 मोल फॉर्मलडिहाइड एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट द कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, तो किसका कंफर्मेशन देता है प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप विनाइल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंस है, विनाइल मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड है इसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं बराबर। तो 32 का आंसर आएगा ए। अब आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो 32 नंबर हो गया। अब आएगा 33 नंबर, प्रोडक्ट कौन सा है PHC CME। सबसे पहले H2O के साथ रिएक्शन करने का बोला है, इसके दो पार्ट होंगे H plus and OH minus, यहां OH आएगा तो we can get this product PH, फिर C के साथ यहां आएगा OH, फिर डबल बॉन्ड C ये H चला जाएगा इधर और ME का मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप बराबर। अब इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो we can get PH C double bond O CH2CH3 ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन PH C double bond O CH2CH3। तो ये 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड एंड प्रोडक्ट, मतलब आपको ये जो चेन दिया है वो हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा उसके बारे में बात करने का है। तो CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड का जब मैं H2O के साथ रिएक्शन करूंगा तो आई विल गेट CH3CH, इसका नाम होगा एसिटिलीन आइदर इथाइन, ये आपका प्रोडक्ट हो गया ए। अब इसका रिएक्शन आगे करने का बोला सेम Ag+2H2SO4, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करने का इसके दो पार्ट पड़ेंगे H+ एंड OH-, कोई भी एक के साथ H+ जाएगा मतलब बनेगा CH2CHOH और यहां टॉटोमेरिज्म के हिसाब से डबल बॉन्ड यहां आएगा हाइड्रोजन यहां जाएगा तो वी कैन गेट CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, तो बी प्रोडक्ट है वो आपका एसिटाल्डिहाइड होगा। इसके बाद आगे ऑक्सीडेशन करने का बोला है, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा अपने को क्या एसिटिक एसिड, तो ये आपका सी प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपको बोला है CaOH twice के साथ रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो वी कैन गेट कैल्शियम एसीटेट, क्या मिलेगा कैल्शियम एसीटेट, और ये कैल्शियम एसीटेट को जब अगर हम हीट करेंगे तो वी कैन गेट व्हाट एसीटोन CH3COCH3, तो ये आपका ई प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ए प्रोडक्ट पूछा होता तो क्या होगा एसिटिलीन, बी प्रोडक्ट पूछा होता तो एसिटाल्डिहाइड, सी प्रोडक्ट पूछा होता तो एसिटिक एसिड, डी प्रोडक्ट पूछा होगा तो कैल्शियम एसीटेट, लेकिन एंड प्रोडक्ट पूछा है इसलिए आपका आंसर क्या होगा एसीटोन राइट। और दोस्तों अब हम 35 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड बेंजीन है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजीन नहीं है दोस्तों साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C6H6 C6H5, उसका ओजोनोलिसिस,
ओजोन एनालिसिस रिएक्शन दोस्तों मैंने आपको समझाया वो हिसाब से होगा, यहाँ पे ओजोन ऐड होगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा C6H5 और उसका आगे रिएक्शन करने का बोला ZnO2 के साथ, तो इतना पार्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको बोल दिया ये डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका और C6H5CHO ये पार्ट निकल जाएगा, तो X पूछा है X क्या, तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा CHO, मतलब आपका आंसर होगा बेंजाल्डिहाइड डी ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने मेरे हिसाब से यहाँ एक लेसन नंबर 12 का जो मेरा दूसरा वीडियो है उसके अंदर मैंने 35 MCQ निकाले हैं मेरे हिसाब से, ऐसे तो बहुत सारे MCQ बन सकते हैं बराबर, मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर बाकी के आंसर्स के लिए भी क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है वो भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाने का ट्राई किया है बराबर। तो दोस्तों ये मेरी जितने भी ट्राई है बराबर MCQ समझाने का वो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है बराबर, तो मेरी ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स वी हैव लॉन्च आवर वेबसाइट www.revisioneducation.com टू लर्न NCERT 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम। इन दिस वेबसाइट ऑल लेसन्स कंटेन वीडियोज ऑफ इलस्ट्रेशन इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ऑल्सो MCQ वीडियोज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE, NEET एंड GUJCET आर ऑल्सो अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ अबोव ऑल दीज आर ओनली ₹999 पर ईयर। सम डेमो वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल रिविजन एजुकेशन। फ्रेंड्स काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।